स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में मास्टर बैडमिंटन गेट टुगेदर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें 16-16 खिलाड़ियों के चार ग्रुप में कुल 64 लोगों ने भाग लिया। खिलाड़ी 30 से 65 की उम्र के थे। सुबह 9 बजे से शुरू हुई प्रतियोगिता शाम 7 बजे तक चली। इसमें ग्रुप ब्लेस्ट शटलर्स के कप्तान जितिन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उप विजेता टीम किंग स्मैशर्स के कप्तान ध्रुव चौधरी रहे। प्रतियोगिता के आयोजन समिति में डॉक्टर जीएस मटेला, देशकांत त्यागी, मेजर दीपक भारद्वाज थे। सभी विजेता और उप विजेता टीम के प्रतिभागियों को रेजिनेंस मुरादाबाद स्टडी सेंटर के निदेशक प्रदीप वाषणे एवं शिवेंद्र जैन ने शील्ड देकर सम्मानित किया। शिवेंद्र जैन ने कहा कि सभी लोगों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिसमें सिर्फ मन ही नहीं स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विपिन जेटली कॉलेज के संस्थापक का विशेष योगदान रहा। आयोजन के मुख्य अतिथि विपिन चंद्रगुप्ता को बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन दीपक भारद्वाज ने किया। शिवेंद्र जैन, आज यहाँ पे 2023 गेट टुगेदर बैडमिंटन टूर्नामेंट का प्रोग्राम हुआ है। आज सुबह से यहाँ मैच चल रहा है। करीब 45 से 48 लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे ब्लैस्ट शटलर एक टीम है, इसके कैप्टन जतिन है, वो टीम जीती है। मुरादाबाद की तरफ से रेजोरेंस कोचिंग सेंटर की तरफ से यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है सभी लोगों को। मेरे साथ हमारे डायरेक्टर, हमारे MD प्रदीप भाषण जी भी, हम दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से लोगों को सम्मानित किया है। अच्छा गेम है, गेम के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। हम भी रेजोनेंस में अपने स्टूडेंट्स को गेम की एक्टिविटीज़ में डालते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ है, ताकि आदमी का मन के साथ साथ तन भी स्वस्थ रहे। मुरादाबाद के लोगों से अपील कि कोई ना कोई गेम जरूर खेलें। बैडमिंटन बहुत अच्छा गेम है, बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें, हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें, और किसी न किसी खेल से जुड़े रहें, ताकि आप स्वस्थ रहें और आपका शरीर और आपका तन और मन सब बिल्कुल स्वस्थ रहें।